बाई वीकली कॉन्टेक्स्ट 132 की फर्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दिया है, क्लियर डिजिट्स। हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उस पर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशन क्या है, जब भी हमें कोई डिजिट मिले तो हमें उस डिजिट को डिलीट करना है और उसके कोरोस्पोंडिंग क्लोजेस्ट नॉन डिजिट करेक्टर को भी डिलीट करना है उसके लेफ्ट में। इस तरह से सारे डिजिट और उनके लेफ्ट वाले करेक्टर को डिलीट करने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग बने वो हमें रिटर्न करना है। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल दिया हो ए बी 3 C 5 D E 8, कुछ हमारे करेक्टर्स हैं और कुछ हमारे डिजिट्स हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ए हमारा करेक्टर है हमें एज इट इज रखना है, बी हमारा करेक्टर है एज इट इज रखना है। जब हमारा 3 आया, एक डिजिट आया, तो हमें इसको भी रिमूव करना है और इसके नियरेस्ट लेफ्ट साइड में जो भी करेक्टर है बी है इसको भी रिमूव करना है। फिर हमारा सी आया, ये एज इट इज रह गया। फिर 5 आया, तो हमें इस 5 को और इसके नियरेस्ट करेक्टर क्या है सी है इसको डिलीट करना है। फिर हमारा डी आया, फिर हमारा ई आया, ये एज इट इज रह जाएंगे। फिर 8 आया, तो ये वाला 8 और इसके नियरेस्ट लेफ्ट साइड में ई इसको हमें डिलीट करना है। तो हमारा फाइनल स्ट्रिंग क्या बना, ए डी, यही हमें रिटर्न करना है। इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जब भी हमें कोई कैरेक्टर मिला होगा तो हमारा जो भी अब तक स्ट्रिंग बना होगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग स्टोर होगा, हमें सिंपली उसका लास्ट डिजिट को डिलीट करना है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते जाएं, हमारे आंसर में ए बी ये स्टोर करते जाएं, जब भी हमें कोई डिजिट मिले हम हमारे आंसर में से लास्ट करेक्टर को पॉप कर दें, तब हमारा स्ट्रिंग क्या रह जाएगा, केवल ए रह जाएगा। फिर सी आएगा, सी हो जाएगा। 5 आएगा, तो इस सी को पॉप कर दें, अगेन हमारा स्ट्रिंग क्या रह गया, ए रह गया। फिर डी आया, डी हो गया। ई आया, ई हो गया। 8 आया, तो हम लास्ट में से इस ई को पॉप कर दें, तो हमारा रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बचा, ए डी, हम इसको रिटर्न कर दें। तो ये अप्रोच काफी सिंपल रहेगी, लेकिन हमें इसमें एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करना पड़ेगा। जो हमारा आंसर होगा हम उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करेंगे और इसी आंसर को लास्ट में रिटर्न कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमें गिवन स्ट्रिंग दिया है हम इसी के स्पेस को यूज करें, इसी को मॉडिफाई करें और अपना आंसर रिटर्न कर दें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज कर सकते हैं। हम 2 पॉइंटर लेंगे, आई और जे, स्टार्टिंग में दोनों फर्स्ट करेक्टर फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेंगे। जब भी हमारा करेक्टर आएगा तो हम आईएथ पोजीशन पर जो करेक्टर होगा उसको जेएथ पोजीशन पर कॉपी कर देंगे। अभी तो हमारी पोजीशन सेम है, तो हम सिंपली कॉपी कर देंगे और दोनों को एक एक आगे ले जाएंगे। आई आ गया यहाँ पर, जे आ गया यहाँ पर, अगेन करेक्टर है तो दोनों को एक आगे ले गए। फिर हमारा ये 3 आया, जब भी हमारा 3 आएगा तो हमें क्या करना है, एक डिजिट आएगा तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट करेक्टर को पॉप करना था, तो सिंपली हम जे को एक माइनस कर देंगे। जे हमारा अब यहां पर आ गया, इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। फिर हमें सी पर, तो हमें क्या करना है, हमारा जो आईएथ पोजीशन पर करेक्टर है सी है, इसको जेएथ पोजीशन यहां पर कॉपी कर देना है। इससे इफेक्ट हमारा क्या हुआ, अभी तक हमारा स्ट्रिंग क्या था, ए बी 3 ये आया था, जब हमारा ये 3 आया तो हमें बी को डिलीट करना था। तो हमारा जे पॉइंटर जहां तक पॉइंट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक हमारा 0 से लेकर जे के पहले यहां तक का तो एक वैलिड स्ट्रिंग है, इसके बाद वाली पोजीशन को हमें फिल करना है। तो जे के यहाँ पर होने का मतलब है कि अभी तक हमारा ए ही बना था, फिर जब सी आया तो हमने इस पोजीशन पर इस सी को फिल कर दिया कि अब हमारा स्ट्रिंग ए सी ये हो गया है, और हम क्या करेंगे, जे को एक आगे ले जाएंगे। फिर आई आया यहाँ पर, आई हमारा 5 है, तो अगेन हम जे को एक पीछे ले जाएंगे, जे हमारा आ जाएगा यहाँ पर। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इस 5 के कोरोस्पोंडिंग हमारा ये वाला सी आंसर से डिलीट हो गया। हमें हर बार आंसर के लास्ट में जो करेक्टर स्टोर है उसको पॉप करना होता है, तो इसका इफेक्ट यही आ रहा है, हम बेसिकली जे को माइनस माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा ये सेम इफेक्ट दे रहा है। फिर हमारे डी पर, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम डी को कॉपी कर देंगे, जे को एक आगे ले जाएंगे। फिर हमारे ई पर, अब हमारी जे की पोजिशन पर ई को कॉपी कर देंगे और जे को एक आगे ले जाएंगे। अब आइए हमारा 8 पर, हमारा क्या है, डिजिट है, तो सिंपली हम जे की पोजीशन को एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जे हमारा अगेन यहां पर आ जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, अभी तक हमारा स्ट्रिंग क्या होगा, ए डी ई 8 ही होगा, तो हमें 8 को डिलीट करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ई को डिलीट करना है, तो हमें जे को पीछे ले गए, इसका मतलब हमने इस ई को डिलीट कर दिया। हमारा 0 से लेकर जे के पहले तक एक वैलिड स्ट्रिंग है, और उसमें भी क्या स्टोर है, ए और डी। हम एक बार इसको फिर से वॉक थ्रू करते हैं। हमने 2 पॉइंटर लिए, आई और जे, जब हमारा करेक्टर होगा तब तो हमें क्या करना है,
आईएथ पोजिशन पर जो करेक्टर है उसको जेथ पोजिशन पर कॉपी कर देना है और आगे बढ़ जाना है। हमने ए को यहां पर कॉपी किया और आई और जे हमारा यहां पर आ गया। फिर करेक्टर है अगेन हम कॉपी करके आगे बढ़ गए। जब हमारा ये थ्री आया तो हमें जे को एक माइनस कर देना है, जे में हम यहां पर आ गए और आई में एक आगे बढ़ गए। अगेन करेक्टर आया तो हमें इस करेक्टर को यहां पर कॉपी करना है और दोनों में एक एक आगे बढ़ जाना है। फिर हमारा फाइव आया तो हमें आई में आगे बढ़ना है और जे में एक पीछे जाना है, जे में अगेन हम यहां पर आ गए। फिर अब हमारा यहां पर आई पर डी है तो हमें इसको इस पोजीशन पर कॉपी कर देना है और हमारे आई और जे दोनों को एक एक आगे ले जाना है। जे अब हमारा आ गया यहां पर। फिर अब हमारा आया ई, अगेन हमें कॉपी कर देना है, जे को एक आगे ले जाना है, आई को एक आगे ले जाना है। अब हमारा आया ए तो हमें क्या करना है, सिंपली जे को एक माइनस करना है, जे हमारा आ गया यहां पर और आई हमारा आगे चला गया। अब हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया तो हमें क्या करना है, जीरो से लेकर जे तक जो भी हमारा स्ट्रिंग था क्या था, ए और डी, ये हमें रिटर्न कर देना है। हमने हमारे स्ट्रिंग पर लूप लगाया, हम दो पॉइंट मेंटेन करेंगे, जे और आई। आई में हम हर बार एक एक आगे बढ़ते जाएंगे और जे हमारा क्या होगा, अगर हमारा वहां पर डिजिट होगा तो इसको एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हमारा एक करेक्टर होगा तो हम आईएथ करेक्टर को जेएथ पोजीशन पर कॉपी करेंगे और फिर जे में एक आगे बढ़ जाएंगे। और लास्ट में हमारा स्ट्रिंग कहां पर मिलेगा हमें, जीरो से लेकर जे तक, तो हम जीरो से लेकर जे तक का सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। इसके माई टाइम लिस्ट क्या होगी, हमने एक एन साइज का लूप लगाया तो ओ ऑफ एन, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया तो ओ ऑफ वन। थैंक यू गाइज।